नमस्कार, आप देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज। मैं आपके साथ अशोक कुमार शुक्ला। रुक करते एक बड़ी खबर के लिए जो उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज आ रही है। प्रयागराज बुधवार को सुबह बाइका बाग चौराहे पर कई दिनों से लावारिस वृद्ध जो बीमार व अस्वस्थ था, चलने फिरने में भी असमर्थ था, उसकी स्थिति मरणासन अवस्था जैसी देखकर मनोज निषाद जी ने अपनी समाज सेवी सहयोगियों निशा मिश्रा व पूनम यादव जी को उस वृद्ध को अस्पताल में भर्ती करवा कर समुचित इलाज कराए जाने को निर्देशित किया। करीब 8 बजे निशा जी ने 108 पर कॉल किया, जो लगभग एक घंटे बाद पहुंची। 112 पर कॉल किए जाने पर कॉल नहीं लगने पर थानाध्यक्ष महोदय को कॉल किया गया। तब पुलिस कर्मियों के साथ मरीज को भर्ती करने मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचने पर वहां इमरजेंसी में उपस्थित डॉक्टर ने भर्ती करने से इनकार किया। काफी जदोजहद के बाद डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उनके यहां गैंग्रीन का इलाज किया जाना संभव नहीं है, इसलिए हम इनको स्वरूप रानी अस्पताल भेज देते हैं। क्या मंडलीय अस्पताल में गैंग्रीन जैसे मामूली इलाज संभव नहीं है? जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी मुफ्त व गरीबों के इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्था देते हैं, ये इस बात की कलई खोलता है। जब मरीज को रेफर किए जाने पर स्वरूप रानी अस्पताल लेकर पहुंचने पर ट्रॉमा सेंटर स्वरूप रानी पहुंचने पर एम्बुलेंस कर्मी ने ट्रॉमा में किसी तरह बात कर ट्रॉमा में अंदर करवाया। वहां के जूनियर डॉक्टरों ने भी भर्ती करने से मना कर दिया, कहा जब तक कोई सीनियर नहीं आएंगे तब तक भर्ती न कर सकते हैं न इलाज कर सकते हैं। इस बात पर जब एमओ से बात किया गया तब उन्होंने भी कहा ओपीडी 2 बजे तक है और ओपीडी के बाद डॉक्टर के आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। उस समय लगभग 12 बज रहे थे। इमो से निशा मिश्रा व पूनम यादव जी ने निवेदन किया, महोदय हम मानवता की वहद से लेकर आए हैं, काफी समय हो गया है, फोन नंबर ले लीजिए, जब आपके सीनियर आ जाए कॉल कर दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। परंतु हम सभी उस समय हतप्रत रह गए जब इमो जैसे जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कहा गया जब तक ओपीडी के बाद डॉक्टर नहीं आते तब तक भर्ती नहीं किया करेंगे और तब तक आप लोग को रुकना पड़ेगा या अपने मरीज को वापस ले जाए। इस बात का विरोध करने पर पूनम यादव ने कहा मनावता करने के कारण आप बंधक रखेंगे। तब इमो साहब काफी उग्र हो गए, कहा अभी पुलिस बुलाकर आपको जेल भेजेंगे, तब तुमको पता चलेगा मैं क्या हूँ, तुम जानती नहीं हो मेरी क्या पावर है। जब इस बात की रिकॉर्डिंग हेतु पूनम जी ने फोन निकाला तो इमो व उनके सहयोगियों ने फोन छीनने की कोशिश किया तथा पुलिस से पकड़वाने की धमकी दिया। कुछ संभ्रांत लोगों द्वारा बचाव किया गया। एहसास हुआ स्वरूप रानी अस्पताल में जितने भी मरीज व उनके एजेंट के साथ विवाद होता है उसका कारण कुछ ऐसा ही होता होगा। खास रिपोर्ट, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, प्रयागराज। मैं नीता मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता। सुबह मनोज जी की कॉल आई कि यहाँ पे बाई के बाग में एक पेशेंट पड़ा था, तो जैसे सूचना मिली वैसे मैं वहाँ पे पहुँची। फिर एम्बुलेंस बुलाया गया और पुलिस को भी खबर की गई, सारे लोग आए, इसको उठाया गया, वहाँ पे कालविन हॉस्पिटल ले गए हम लोग, वहाँ पे रिफ़र कर दिया गया। स्वरूप रानी में इसको एडमिट कराया, इसका ट्रीटमेंट चलने लगा। जय हिंद। मैं पूनम यादव, जन जागृति सेवा समिति से। बाई के बाग में जब पहुँचे निशा जी वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस को कॉल किया, काफ़ी देर में एम्बुलेंस वहाँ पर अवेलेबल हुई हमको और प्रशासनिक व्यवस्था भी मांगी गई। वहाँ से प्रशासन से 2 लोग आए और एम्बुलेंस में उस व्यक्ति को वहाँ पर रखा गया, कालवन हॉस्पिटल ले गया। कालवन हॉस्पिटल में वहाँ उन्होंने बताया कि गैंग्रीन की प्रॉब्लम है, उसको हम यहाँ पर रेफर हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। उसके वहाँ से भगाने का समझा जाए रेफ़र कर दिया गया। फिर हमने कहा कि उसको एम्बुलेंस में रखवा दिया जाए, एम्बुलेंस में रखने तक के लिए भी कोई वहाँ नहीं मिला। वहाँ पर हमें और मैं पूनम और निशा जी, हम दोनों मिलके और एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे वो तीनों के सहयोग से उसको स्ट्रेचर पर रखा गया, पूरे एम्बुलेंस में रखा गया। फिर वहाँ से लेकर आए मेडिकल स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। यहाँ पर भी जूनियर जो थे वो काफ़ी बदतमीजी से काम कर रहे थे, वो एडमिट नहीं कर रहे थे, ना मेडिसिन उसको तुरंत अवेलेबल कराई। जो वहाँ एमओ थे उनको मैंने कहा कि आप जल्दी एडमिशन ले लीजिए उनका, तो वो कह रहे हमारा मोबाइल छीनवाने लगे और उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, पूरी तरह से बदतमीजी की गई है। और यहाँ पर फिर उसके बाद इतना करने के बाद ये बताया गया कि 2 बजे के बाद जब सीनियर आएंगे तो एडमिशन लिया जाएगा। सीनियर काफ़ी कोऑपरेटिव थे, सीनियर ने कहा कि जल्दी अननोन पर्सन है उनका, आप करवा के इनको छोड़िए जल्दी से। तो सीनियर की वो रही, सीनियर ने वहाँ पर कंफर्म एक हमारी सहभागिता किया है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, जिसके कारण उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके लिए धन्यवाद।